मैं नमाज पढ़ रहा था ईशा की, मैंने लेट पढ़ी उस रात को। उसके बाद मेरी बेगम ने मुझे आवाज दी, उन्होंने मुझे कहा कि ये अरशद भाई किधर है पता है आपको? मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कहती अरशद भाई ठीक हैं? ये मेरी बेगम ने मुझे पूछा, वो ट्विटर पे देख रही थी, उसने मुझे पूछा कि अरशद भाई ठीक हैं? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये अदील राजा क्या लिख रहा है? सबसे पहले उसने ट्वीट किया था, मैंने जैसे ही उसका वो ट्वीट अपने मोबाइल में निकाल के पढ़ा तो मुझे एकदम, मेरा जो पहला रिएक्शन था वो ये था पागल हो गया, मैंने कहा नशे में, ये मेरे मुंह से निकला सीधा। उसके बाद फिर मैंने मेहर बुखारी का ट्वीट वहीं पे पढ़ा, मैंने फोन किया तो वो उनकी आवाज में रोने वाला अंदाज था। जिन लोगों ने उनके लिए ये जमीन तंग की, जिन्होंने उनके लिए अब यूएई की जमीन तंग की, जिन्होंने उनके लिए कीनिया में रहना महाल कर दिया, वहां पे भी वो चुप कर रहते थे, उनको पता था कि उनको मारा जा सकता है, वो बार बार कहते थे, वही लोग हैं इसके पीछे। मैंने कान से लगाया तो मुझे इमरान बेटा बात कर रहा है, वो मेरे से पूछ रही है फोन के ऊपर मुझे बता पूरी बात। तो मैंने कहा माजी वो आपको पता है कोई अच्छी खबर नहीं यार? बेटा मैं इतनी मजबूत हूं कि मैं तुम्हारी पूरी बात सुन सकूं। किधर है? मैंने कहा माजी मैं घर हूं, लाहौर में आ रहा हूं, तू जल्दी घर आ जा, घर आ जा जल्दी, और मुझे बता ये अरशद को वापस आने देंगे? इस जो माजी का ये जुमला था ना, मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात से कि एक मां ये सोच रही है कि मेरे बेटी के मैयत को वापस आने देंगे या नहीं आने देंगे। ये डीजीआईएसआई ने और डीजीआईएसपीआर ने अरशद भाई का नमाज जनाजा होने का भी इंतजार नहीं किया। भाई आपको इतनी किस बात की जल्दी थी? आपने अगर इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो आप अरशद भाई के नमाज जनाजा के बाद कर लेते। हमारे सहाफियों ने अरशद भाई की लाश से खेलने की कोशिश की है, लेकिन जिनके कहने पर खेलने की कोशिश की है ना, वो बहुत ताकतवर लोग हैं, वो किसी के लिए भी जमीन तंग कर देते हैं। अब सारे के सारे तो ऐसे नहीं होते ना कि हालात का मुकाबला करें, अरशद शरीफ तो फिर एक ही होता है, सारे तो नहीं हो सकते जो टक्कर दें। अब मैंने कोई बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं लिया था पहली मुलाकात में, मुझे लगा ये खुश्क आदमी है सिर्फ खबरों में रहने वाला। उन्होंने सिद्दीक जान के ऊपर हमला किया गवादर में, उस दिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मैंने सिद्दीक जान का साथ दिया उसमें, मुझे लगा कि नहीं वो गलत हो गया। तो उसका बाद में गिला शिकवा भी होता रहा दोस्तों में, लेकिन वो एकदम दोस्तों ने खत्म करवा दिया। जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन का मामला शुरू हुआ तो पहली दफा हम लोग जब मिले तो थोड़ी सी अपनाइयत बढ़ती गई। हम उन आखिरी 7 लोगों में से जिनको वजीर आजम हाउस में हम लोग आखिरी दिन उस रात को मौजूद थे। लेकिन एक वाकया मुझे हमेशा वो याद रहेगा, मैंने इन्हें कहा सब आपस में बैठे हुए एक वादा कर लेते हैं। समी इब्राहिम से डॉक्टर मुहित पीरजादा थे, सिद्दीक जान थे, अरशद भाई थे, मैं था, मैंने कहा एक वादा तो आपस में कर लें सारे लोग, हम में से कोई भी पकड़ा जाएगा ना तो बाकी सारे उतना ही शोर मचाएंगे जितना अपने लिए कोई मचाता है, यानी उसको ऐसे ही फील करेंगे जैसे मैं खुद पकड़ा गया हूं, तो ताकि जो पकड़ा गया है उसके लिए आवाज उठती रहे। इस पर सबने मुझे ओके किया, मैं इन सबका बड़ा मशकूर हूं कि इन्होंने वादा पूरा किया सबने। अरशद भाई उस पर ज्यादा बोले नहीं, जब मैं वहां से निकलने लगा ना तो मुझे यहां से बाजू से पकड़ा यहां से अरशद भाई, पहली दफा मुझे लगा कि वो थोड़ा सख्ती से मेरे साथ बात किया जिंदगी में, उस सख्ती के साथ अपनाइयत भी थी। मुझे पकड़ा कहते देख भाई मुझे पता है जो तेरे दिमाग में चल रहा है, तू बाज आ जा। हम सबसे अच्छे कपड़े पहनता था, पॉलिश वाले जूते पहनता था, कभी मैंने उसको उजड़ा पुजड़ा नहीं देखा, कभी मैंने उसको इस हालत में नहीं देखा कि आप कहें कि यार अरशद भाई आज तैयार होकर नहीं आए। हम सबसे नफीस आदमी जंगल में पड़ा हुआ था, क्यों? मैं वही कहूंगा जो मेरे दिल में आएगा, मैं वही कहूंगा जो मुझे ठीक लगता है। तुम मेरी जुबान को बंद नहीं कर सकते, तुम मेरी सोच को कैद नहीं कर सकते, तुम मेरे दिमाग पे कब्जा नहीं कर सकते, तुम मेरे ऊपर रूल नहीं कर सकते, मैं गुलाम नहीं हूं। जंगल में पड़ा रहूंगा, बेबस पड़ा रहूंगा, एक ही शर्ट के अंदर बार बार वीलॉग्स करूंगा, हार नहीं मानूंगा। वो आजाद गया था, वो आजाद वापस आया। उन्होंने बताया कि अरशद भाई ने टिकटॉक चलाना सीखा मेरी गिरफ्तारी के दौरान पहली रात में, और उस पर वीडियो बनाना सीखा उसी रात में, वो लगे रहे सीखते रहे उसको, और फिर वो टिकटॉक पे वीडियो बनाकर डालते थे मेरी। और जब भाभी ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो, उसने कहा ये बड़ा जबरदस्त मीडियम है, यूथ के अंदर ज्यादा पैगाम जाता है इसका, यानी वो जो बहुत सारी वीडियोस वायरल चल रही हैं सोशल मीडिया पे, वो अरशद भाई ने बनाई हुई है रातों को जाग जाग के,
फिर जब मई में हमारे ऊपर एफआईआर होना शुरू हो गई, सबसे पहली जो एफआईआर निकली वो अरशद भाई के ऊपर निकली, फिर साबिर भाई के ऊपर निकली। साबिर भाई बहुत समझदार थे, वो पहले ही पाकिस्तान से निकल गए, उनको आइडिया था क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम उन लोगों के साथ गुजारा हुआ था जिन लोगों ने अटैक किया था। तो साबिर भाई पहले निकल गए पाकिस्तान से, अरशद भाई डटे रहे। उन्होंने मुझे, अरशद भाई ने एक दिन कहा जून में, मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। फिर मुझे वो गले भी मिले उस दिन जब हम एक दूसरे को छोड़ रहे थे, तो मुझे गले मिले और गले मिलते हुए मेरे कान में उन्होंने कहा कि देख ये मारेंगे। अच्छा, हम तीनों सहाफियों के ऊपर हमेशा से ये पाकिस्तान में लोग क्लेम करते रहे कि ये एस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेते हैं, चाहे वो अरशद भाई हैं, साबिर भाई हैं, मैं हूं, डॉक्टर मुईद हैं या कोई और। और हम लोगों ने ये एनालिसिस किया कि इस दफा तो बड़ी सख्त ज्यादती हो गई, ये गलत हो रहा। और उस गलत के खिलाफ जब हमने अपना ओपिनियन बनाना शुरू किया तो हमें एक जैसे हालात का सामना करना पड़ा। देखो, वो आदमी जीने का ढंग सिखाता था, उसने मरने का तरीका भी बताया लोगों को। अरशद जैसा आदमी ये काम कर सकता था, हम भी वो करने की कोशिश करते रहते हैं अपने तई, लेकिन अरशद से बेहतर नहीं। अरशद शरीफ ही वो कर सकता था जो वो कर रहा था। हम पे अब बहुत बोझ है, हमें रोज ये सोचना पड़ता है कि अरशद शरीफ होता तो क्या करता, फिर हम वैसा करने की कोशिश करते हैं। साहब, इस लड़ाई के अंदर किसी और ने कुछ खोया हो या ना खोया हो, हमने अपना सबसे बड़ा हीरा खो दिया है। हमने अपने सबसे ताकतवर आदमी को खोया, हमने अपने सबसे बेहतर आदमी को खोया। आप सबने क्या खोया? इस रिजीम चेंज ऑपरेशन को करने वालों ने क्या खोया? किसी ने कुछ नहीं खोया, सबको उनकी चीजें वापस मिल जाएगी, हमें अरशद शरीफ वापस नहीं मिलेगा। मैं एक चीज जानता हूं अरशद भाई के लिए, मुझे सिर्फ इतना कहना है आखिर में कि जियो तो ऐसे जियो, जिंदगी को रश का है। जियो तो ऐसे जियो, जिंदगी को रश का है। मरो तो मौत कहे ये कौन मर गया यारो, ऐसा था अरशद। इस तरह के बेटे चाहिए इस मुल्क को, डट जाने वाले, सामना करने वाले, हिम्मत करने वाले। क्या हो गया, इनके पास हथियार है, मारेंगे, खाल उदेड़ देंगे। खाल हाजिर है जनाब, लेकिन जबान नहीं हाजिर। खाल हाजिर है, जबान हाजिर नहीं है। जबान वही कहेगी जो हमें ठीक लगता है। खाल के ऊपर आप जैसे मर्जी निशान बनाए अपनी इंटरटेनमेंट के लिए, कोई बात नहीं।